हाँ जी कितना सारे वेलकम बैक। तो जी आ गए कौन नए आप लोग लेके। तो जी आज हम खड़े हैं वैसे पताया के अंदर और आपके साथ पहले एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। जो भी अभी तक आरटीपीसीआर टेस्ट रिक्वायर्ड था थाईलैंड के इंडिया जाने के लिए वो ख़त्म हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है 13 तारीख से। उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट की और कोई भी एयर सुविधा फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ें हटा दी गई हैं 13 तारीख से। और आई थिंक ये वीडियो एक या दो दिन बाद में आएगी लेकिन 13 तारीख से आप कैलकुलेट कर लेना कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो मैंने कहा ये गुड न्यूज़ थी आपके साथ शेयर कर दूँ। और अभी मैं खड़ा हूँ पताया में। तो अभी हमने चलना है बीच के ऊपर। एक्चुअली वहाँ फेस्टिवल चल रहा है बीच के ऊपर, जैसे सनबर्न वाला कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसे। ये साल में एक बार ही होता है तो वो हो रहा है। मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करते हैं, चलते हैं। तो बने रहना वीडियो में, इंजॉय होने वाला है ज़बरदस्त। भाई साहब इनोवा का कलर देख लो, क्या मस्त कलर है यार। और ऐसे कलर आपको सिर्फ थाईलैंड में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। इनक्रेडिबल थाईलैंड। वेलकम टू पत्तेया। तो जी पहुंच गए पत्तेया के अंदर, लेकिन अपन ने जाना जोमथियन बीच। तो जोमथियन बीच की तरफ जाने के लिए लेफ्ट लेना पड़ता है यहाँ से, नहीं तो आप राइट लेके सीधा पत्तेया बीच पे जा सकते हैं। और मैं भी एक्चुअली पहली बार जा रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं कि कैसा होने वाला है फेस्टिवल। और चल के देखते हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं इसका। लेकिन होने वाला बहुत अल्टीमेट है, मैंने वीडियोज वगैरह देखी थी पुरानी, लेकिन बहुत अच्छा है। चल के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। वैसे मैंने आपको दिखाना था सनसेट भी, लेकिन सनसेट भाई पहले लेट ही हो गए मेरे ख्याल से, सनसेट तो दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन बाकी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं चल के बीच के ऊपर कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। सेम आपको फनगान वाली फील आएगी, अगर कोई फनगान गया हो पहले तो उसको मालूम होगा खो फनगान के बारे में। तो यहाँ पे सेम वैसी ही फील आने वाली है आज। और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं जोमथियन बीच पे। एक्चुअली ये एरिया आपको लगेगा नहीं कि आपको आप पताया में है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे भी देखोगे ना तो उसमें भी आपको रशियन में लिखा हुआ दिखेगा, थाई और रशियन। मोस्टली क्या आपको यहाँ पे चाइनीज और थाई में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ पे रशियन ज़्यादा है तो रशियन में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको हर जगह, केमिस्ट शॉप से लेके हर जगह, क्योंकि यहाँ पे सारे रशियन ही रहते हैं। लो जी बीच के दर्शन हो गए, आप आ चुके हैं बीच के ऊपर और यहीं पे ही है मेरे ख्याल से जो फेस्टिवल हो रहा है। मेरे ख्याल से मैं सही जा रहा हूँ, यहाँ आ गए यार डिफरेंट सी वाइब आती है बहुत ज़बरदस्त वाली। और जोमथियन बीच पे तो यार बहुत ही ज़बरदस्त, और ये तो मेरी फेवरेट जगह है कि यहाँ पे आके सुबह की कॉफ़ी मिल जाए ना, कि सुबह यहाँ पे आके आराम से कॉफ़ी का कप लेके बीच के सामने बैठो, ओए मज़ा ही आया था यार। बट हाँ दिन में गर्मी इतनी होती है फिर नहीं दिल करता, शाम को और भी मस्त हो जाता है मौसम, जैसे इस टाइम हो रखा है ना। अब इस टाइम क्या, जितने भी थाई लोग हैं या रशियन है ना, ये साइड में जितनी भी गाड़ियां आपको दिख रही है पिकअप ट्रक वगैरह, ये लोग क्या है कि यहाँ पे पिकअप वगैरह अपना यहाँ पार्क करके ना पार्किंग में इनकी डिक्की खोल के पीछे बैठ जाते हैं। तो ये नॉर्मली है, जैसे आपको दिख रहा होगा ना बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ये नॉर्मली सारी गाड़ियों के पीछे दिखेगा, इंजॉय कर रहे होंगे यहाँ पे जो पीछे पटरी बनी हुई है, साथ में अपना व्यू का इंजॉय कर रहे हैं। अल्टीमेट यार। तो ये शूज़ चेंज कर लिए, स्लीपर डाल लिए, एक्चुअली अंदर हो रही है पार्टी, वो भी हो रही है बीच के ऊपर, तो वहाँ पे मिट्टी होगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा पहले शूज़ उतार के रख देते हैं, कंफर्टेबल होके चलते हैं अंदर। और ये जो पार्टी है ना एक्चुअली ये जोमथियन बीच पे नहीं हो रही, ये पार्टी एक्चुअली हो रही है एलेक्सा बीच क्लब पे। और जिसने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है, ऊपर आई बटन में शो हो रही होगी। वो भी मैंने यहीं पर शूट करी थी रशियन के साथ, जो यहाँ पर एलेक्सा बीच है। ये एक्चुअली क्या जोमथियन से 20 मिनट की दूरी पे ही है, कोई ज़्यादा फार भी नहीं है, 20 मिनट लगते हैं सीधे ड्राइव करके आप आ सकते हैं। मैं लोकेशन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया भाई आईडी आ रही है, जाके वहाँ पे फॉलो कर लो ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह दिखाते रहें। और चलते हैं अब, दिखाते हैं आपको, इन्जॉय कराते हैं बीच का एलेक्सा क्लब पे।
जी रात के बज रहे हैं 11:30 और पार्टी अभी भी स्टिल चल रही है, 12 बजे तक चलेगी कंटिन्यू मिडनाइट, उसके बाद भी चल सकती है लेकिन अभी तक चल रही है। लेकिन मैंने आपको बताना था एक चीज कि यहाँ की भाई एंट्री टिकट थी और यहाँ पे एंट्री टिकट मुझे आके पता लगा, मैंने सोचा कि पार्टी वैसे फ्री होती है हर जगह, लेकिन यहाँ पे ये प्राइवेट पार्टी थी जिसके मुझे पे करने पड़े 2500 baht। और फिर मैंने कहा चलो आई गए तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट होता है यार, और बहुत ही डिफरेंट है कॉन्सेप्ट। अंदर पार्टी चल रही है, सेम सनबर्न वाला स्टाइल है यार, म्यूजिक नेक्स्ट लेवल चल रहा है, बस अंदर सब कुछ भाई महंगा है। अगर किसी ने आना है तो प्राइवेट बुक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने बियर लिया अंदर से, ये कैन लिए 200 baht का और ये जो पाइंट है ये बाहर है 60 baht का, तो डिफरेंस समझ ही सकते हो। लेकिन पार्टी भाई अल्टीमेट है अंदर, इंजॉय नेक्स्ट लेवल। एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो पार्टी चल रही है ना ये इनका एरिया बना रखा है इन्होंने अंदर, तो यहाँ पे पार्टी चल रही है, जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं ना कॉन्सर्ट वो सारे यहाँ होते हैं। और अगर आपको पार्टी वगैरह करनी है पूल पार्टी, वो अंदर होती है, उसका अलग से इन्होंने स्पेस वगैरह बना रखा है, वो भी जबरदस्त है। और साथ में इनका मतलब ये ओपन यहाँ पे फिर बीच आ जाता है, अभी रात में अंधेरा हो रहा है दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अंदर भाई पार्टी एक नंबर है। और साथ में जितना भी क्राउड आया हुआ है ना भाई, वो सारा रशियन और फॉरनर ही है, क्योंकि इस जगह पे कोई नहीं आता। जो इस जगह का नाम एक्चुअली ना जोमथियन पड़ता है, एक है जोमथियन लेकिन ये है ना जोमथियन, इसकी लोकेशन अलग है। तो जी पार्टी होगी फिनिश, रात के बज रहे हैं 12, एक्चुअली पुलिस वाले बाहर ही खड़े थे, पार्टी करा दी है बिल्कुल क्लोज, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है भाई 12 बजे के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो लोकेशन है ये ना जोमथियन है, और ये जो बैंड है इसके लिए मैंने 2500 baht दिए थे। वैसे अगर 2 दिन की थी ये पार्टी, और 2 दिन की पार्टी के भाई साहब थे 4500 baht, तो मैंने कोई वर्थ है नहीं, तो इसलिए मैंने एक दिन के लिए ले ली थी। और मैंने कहा आपको दिखाता हूँ यहाँ का भी एक्सपीरियंस कैसा था, आपके साथ शेयर करता हूँ, और सारा वीडियो मैं आपने देख ही लिया होगा। तो भाई कैसी लगी वीडियो बताना जरूर कॉमेंट के अंदर। तो भाई आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए